भारतीय सेना ने पैंगोंग इलाके में स्थिति की मजबूत। 30 अगस्त को स्पेशल यूनिट्स ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। एलएसी पर चीन से तीसरे दिन भी बातचीत बेनतीजा। ब्लैक टॉप पर भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पराक्रम से घबराया चीन। विदेश मंत्रालय का बयान, एसएफएफ के बारे में नहीं थी कोई जानकारी। हिंदुस्तानी सेना की शौर्य से खौफ में चीनी फौज, दिन रात अभ्यास कर ताकत नापने में जुटी पीएलए। 4,500 मीटर की ऊंचाई पर लाइव फायर ड्रिल। चीन पर भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक, मोदी सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी ऐप को किया बैन। ताइवान ने चीन को दिया बड़ा झटका, अपने नाम से जारी किया पासपोर्ट, रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्द हटाया। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बड़ा दावा, रिया के आने के बाद बिगड़ी सुशांत की मानसिक हालत, मुंबई पुलिस को दिया गया पिता का बयान भी आया सामने, बोले 14 जून से पहले ठीक नहीं थी सुशांत की तबीयत। मानसून सत्र में प्रश्नकाल न होने पर भड़का विपक्ष, का अर्थव्यवस्था महामारी पर ना हो सवाल इसलिए किया निलंबित, लोकतंत्र की हत्या के लिए महामारी का बनाया जा रहा है बहाना। 7 सितंबर से येलो लाइन से दोबारा दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, थर्मल स्क्रीनिंग और बिना मास्क के नहीं मिलेगी सफर की इजाजत, उचित दूरी का भी रखा जाएगा खास ख्याल। दिल्ली में कोरोना फिर पकड़ रहा है रफ्तार, पिछले 2 महीने का तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 2509 नए केस, 16,000 एक्टिव मरीजों के चलते एम्स ओपीडी 2 सप्ताह के लिए बंद।